जेपीएससी पीटी परीक्षा के बाद पीटी की परीक्षा में गड़बड़ी की बात को लेकर पिछले 45 दिनों से जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। हजारीबाग में भी आंदोलन का आगाज हुआ। छात्रों का आरोप था कि हजारीबाग से ही प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। हजारीबाग में भी धरने पर बैठे छात्रों ने कहा है कि जब तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं होती है उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि रांची से भी काफी संख्या में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हजारीबाग पहुंचे थे और छात्रों ने जल्द ही चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भी जांच कराई जानी चाहिए और इस मामले को लेकर भी छात्रों के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, हजारीबाग में भी जेपीएससी के छात्र धरने पर बैठे दिखे। 45 दिनों से छात्रों का ये आंदोलन लगातार चल रहा है और उनका कहना है कि जब तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं की जाती है उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जैसा कि मालूम होगा कि 7th जेपीएससी में झारखंड में इतनी बड़ी धांधली हुई है, इसको लेकर झारखंड के तमाम नौजवान साथी, तमाम छात्र जो 7th जो जेपीएससी दिए थे, जो नहीं दिए थे, वो अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि जेपीएससी जैसे एक प्रतिष्ठित संस्था जहाँ इतनी बड़ी धांधली हो जाती है, वो हमारी सीट गायब हो जाती है। जब हम लोग इतना आंदोलन करते हैं तब जाकर के जेपीएससी आयोग एक्सेप्ट करता है, वो भी मुस्कुराते हुए, कि इतने लड़कों का ओएमआर सीट हम लोग के पास नहीं था। हम झारखंड सरकार से, महामहिम राज्यपाल से या हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब जल्द से जल्द 7th जेपीएससी रद्द करें और इसमें जो भी अधिकारी संलिप्त हुए हैं जैसे अमिताभ चौधरी, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ हम लोग आज ये आंदोलन करने आए हैं।